तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा मनाने। लाला भाई लोग आगे हैं। हेलो गाइस, इसके बाद से अभी गाड़ी नहीं जा पाएगी। लाला भाई, गाड़ी क्यों नहीं जा पा रही है? भीड़ है, जनता के ऊपर चढ़ा के जाएगी क्या? वही पूरा रोड ब्लॉक कर गया, पीछे भी और आगे भी देख सकते हैं। आगे भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो गया, काफी ज्यादा भीड़ है। 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा जय भाई? 1 किलोमीटर। देखो मार दे, 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मार दे रहे हैं ये। अभी तो बच्चा की दुकान। तो इस भीड़ में हमारे सरदार जी पत्रकार हैं, आप सब देख सकते हैं। प्रकाश परिषद की गाड़ी रोक दी गई है यहाँ पे भीड़ में। छठ पूजा, छठ पूजा के बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगी? भीड़ से लोग परेशान है बताने के लिए नहीं। तो सरदार जी, आप कुछ ज्ञान देना चाहेंगे? छठ पूजा में सब लोग एक दूसरे को मार्ग दे, जिससे सब लोग आसानी से घाट पे पहुंच जाए और अपनी पूजा अर्चना आराधना जो है कर ले, सब पूर्ण कर ले। तो आप तो पैदल जा रहे हैं सर? तो पैदल सब जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। लेकिन आप बाइक लेके पैदल चल रहे हैं? भी पैदल चलवा रहे हैं। पहले से पता था भीड़ होगी, फिर भी आप पैदल? हम तो जरा सा भीड़ एकाएक आ गई ना, जिसके कारण गाड़ी किनारे खड़ी करनी है। तो आइए चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि अब कितनी भीड़ होगी और क्या क्या होता है। सर भाई, रास्ता ब्लॉक करते हुए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी भीड़ है, लोग आ जाने नहीं पा रहे हैं। तो आज छठ के महापर्व पर आप सब देख सकते हैं काफी भीड़ है, पैदल भी लोग नहीं आ जा पा रहे हैं। सिकिलिया वाला को क्रॉस करो, प्रशासन अच्छे से रास्ता भी रोक रही है, किसी को आने जाने में असुविधा ना हो, इसलिए बैरिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा व्यवस्था जोरों से बना हुआ है और आप सब देख सकते हैं पीछे पीप पीप भी कर रहे हैं लोग, अंदर तक गाड़ी लेके आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पैदल आ गए यहाँ के निवासी होते हुए भी। लू की रेत में अजय भाई चल रहे हैं। चप्पल नहीं है। अरे इनका चप्पल होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। एक गन्ना तो सर पे उठा नहीं पाए हैं, देख रहे हैं घर की पूजा है और एक गन्ना तक नहीं उठाए हैं। ये शर्म से मुंह छुपा रहे हैं, ये देख लीजिए आप। हमारे घर का अगर पूजा होता तो मैं पूरा बोझ उठा लेता। यहाँ पे माननीय महापौर जी की उपस्थिति के लिए मंच बनाया गया है। गाइस, आप लोग देख सकते हैं काफी भीड़ है इधर। कम से कम कितने हजार लोग होंगे लाला भाई? कम से कम ना होंगे तो 20-30 हजार लोग अभी लोग होंगे अभी। कम से कम इधर 20 हजार लोग होंगे अभी। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ आगे उधर आगे, जहाँ तक आप देख सकते हैं सब आदमी आदमी, हर जगह आदमी। आगे साइड भी पूरा उस साइड आदमी ही आदमी है, हर जगह लोग है। तो हमारे लाला भाई, हमारे फूफा जी हैं छठ पूजा के लिए। तो इधर मेला भी लगा हुआ है बच्चों के मनोरंजन के लिए, आगे भी है एक।
तो मेले में मनोरंजन भी बहुत ही अच्छा है, मेले में चार चौमेन की भी सुविधा है। यहाँ पे ड्रोन भी उड़ रहा है, ड्रोन शॉट भी ले रहे हैं लोग। छठ के शुभ अवसर पर हमारे भी गंगा यम के पास माननीय महापौर जी यहाँ पर उपस्थित, आप सब देख सकते हैं हम, और साथ में पंचेंद्र सरदार जी भी। भाभी जी को प्रणाम। छठ पूजा के शुभ अवसर पर माननीय महापौर जी कुछ बताना चाहेंगे आप? छठ महारानी सबको ऐसे ही सुख समृद्धि दे, खुशहाली दे, ऐसी अनुकंपा है जो जो सोच के आया हो आज छठ मैया में उनकी श्रद्धा को पूरा करे। आज कल्लू महाराज जी के भाग खुलते हुए महापौर जी उनके भी पूजा अर्चना में जो आप सब देख सकते हैं, तो माननीय महापौर जी पूजा करके वापस जाते हुए आप सब देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ है। इस भीड़ में भी माननीय महापौर जी जो है जनता के साथ और जनता के विकास के बारे में हमेशा सोचते आई है और हमेशा सोचती रहेंगी। आप सब देख सकते हैं माननीय महापौर भैया भी और पंकज भैया भी माननीय महापौर जी से आशीर्वाद लेते हुए। अब गोलू भाई तुम कहाँ भटक रहे हो इधर? मेला देखने आए हैं। मेला मेला अच्छा लग रहा है कि नहीं छठ पूजा? अरे बहुत लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, जन्नत खेती है। जन्नत की खेती? गन्ना की खेती है। अच्छा गन्ना की खेती बोल रहा है, पूरा लग रहा है गन्ना की खेती है। बाकी वैसे आओगे तो यहाँ खाली मछली मारने वाले दिखेंगे। बंजर पे आज सोना उगा है। हाँ। तो इस गन्ना, ये सब गन्ना को देख के बोल रहे हैं लोग गन्ना के खेत में है ऐसा लग रहा है। ये गन्ना पूजा के लिए यूज होता है यार। अरे हमको लग रहा है गन्ना की खेती है। अब असली मजा देखते हैं क्या होता है। अभी हम सोच रहे हैं यहाँ गन्ना चोरी करें। ना ना चोरी वोरी ना करो। तो गाइस ये था प्रयागराज का आपका छठ पूजा, काफी भीड़ है अभी सुबह का, कल आपको दिखाएंगे। लाला भाई मजा आया कि नहीं आपको? मजा क्या, पहली बार मैं छठ पूजा में आया हूँ और माननीय महापौर जी से बात भी किया और महापौर जी यहाँ पे जो आए पूजा भी किए और आशीर्वाद मांगने का लिया। और अजय भाई आपने क्या किया आप बताइए? मैं तो पूजा में बिजी था, मम्मी के साथ बिजी था। काफी बड़ा त्योहार है ये पूर्वांचल के लोगों का और बिहार के लोगों का, काफी भीड़ है, आप लोग पीछे भी देख सकते हैं काफी भीड़ है। तो मिलते हैं कल सुबह। तो पूजा करने के बाद सभी लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं सब लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो सूरज ढल गया तो पूजा खत्म हो जाता है सूरज ढलने के बाद। उगे सूरज देव भेले।